नमस्ते बिटिया, माइसेल्फ हमेशा खुश रहो बिटिया, माइसेल्फ जीवियन डॉक्टर रितु शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गायनियो फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी. टुडे वी डिस्कस द न्यूबॉर्न ऑफ असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न पार्ट फर्स्ट. Health assessment of the newborn. The newborn require through skill observation to the ensure a satisfactory adjustment to extra uterine life. Health assessment of newborn after delivery can be divided into different assessments. First is initial state assessment. Second is transitional state assessment. Third is assessment of gestational age. Fourth is behavioral assessment. And last is systemic pelvic examination. Initial assessment. After delivery के बाद में जब baby deliver होके आता है तो उसका initial assessment होना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि initial assessment के से ही पता लगता है कि बेबी को आईसीयू की जरूरत है या नहीं है, उसको वेंटिलेशन का प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है. तो ये जो सब चीजें हैं वो असेसमेंट करनी बहुत जरूरी है. इनिशियल असेसमेंट इज डन बाय यूजिंग द एपगार स्कोर. एपगार स्कोर जो होता है वो डिलीवरी के बाद में हर एक बच्चे का किया जाता है. एपगार स्कोर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे को एस्फिक्सिया डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है. तो एपगार स्कोर इज It is method used to assess the newborn's immediate adjustment to extra uterine life. The score based on the five signs. Apgar score जो है वो five signs के ऊपर based है. First है appearance, that is color, pulse, that is heart rate, gramius, reflex, irritability, and fourth is activity, that is muscle tone, and fifth is respiratory rate. तो हर एक बच्चे का हमको उसका color आइडेंटिफाई करना है, कलर क्या है, उसकी पल्स रेट क्या है, उसकी रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी क्या है, एक्टिविटी मसल स्टोन का कैसा है, उसका रेस्पॉन्स कैसा है एक्स्ट्रा स्टिमुलाई से, रेस्पिरेटरी कितनी आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमने स्कोर डिसाइड कर रखा है. एपगार स्कोर का जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंगली बच्चे का असेसमेंट करके इन पांच साइंस के अकॉर्डिंगली उसको मार्क्स देना है. देन आइडेंटिफाई करना है कि उसको क्या कितनी सीवियरिटी है एस्फिक्सिया की. Each term is given a score 0, 1 or 2. तो 0 से 3 अगर पेशेंट का बच्चे का अगर स्कोर आ रहा है तो सीवियर डिस्ट्रेस उसको डेवलप हो चुका है. 4 टू 6 आ रहा है तो मॉडरेट डिफिकल्टी है बच्चे को. एंड 7 से 10 आ रहा है तो नो डिफिकल्टी एडजस्टिंग टू लाइफ. तो ये जो स्कोर है इस तरह से स्कोरिंग इसकी डिवाइड है. इवेलुएशन ऑफ ऑल 5 कैटेगरीज are made on 1 to 5 minute after birth. And जो ये हम स्कोर करते हैं बच्चे का ये after birth के बाद में बच्चे का 1 से 5 मिनट के बाद में ये स्कोरिंग ये इवेल्युएशन किया जाना चाहिए. अदर इनिशियल असेसमेंट जिसमें स्टेबलाइजेशन मेजरिंग वेट. नेक्स्ट इज ट्रांजिशनल असेसमेंट. द ट्रांजिशनल असेसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ reactivity, first period of reactivity 6 to 8 hours after birth. During the first 30 minutes, the newborn is very alert, cry vigorously, may suck a pit gradually, fist greedily. मतलब कि बच्चा अपने हाथ का अंगूठा है अपने उंगलियों को वो एक greedily उसको suck करता रहता है, रोता रहता है, cries vigorously and alert रहता है जब बच्चा पैदा होने के 30 minutes के बाद में. And appears very interested in the environment. Physiologically, the respiratory rate can be as high as 80 breath per minute. Crackles may be hard. Heart rate may reach 180 beats per minute. And bowel sound are active. Mucus secretions are increased and temperature may decrease slightly. तो बच्चे का क्या है, म्यूकस सिक्रेशन तो बढ़ेगा, साथ में बच्चे को क्या डेवलप होता जाएगा, हाइपोथर्मिया. क्योंकि बच्चा जब
मदर के वॉर्म से निकल के बाहर एनवायरनमेंट में आता है तो कम्पेयर टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर में उसको फीलिंग आती है और उसको हाइपोथर्मिया धीरे धीरे डेवलप होता है. सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी बिगिन व्हेन द न्यू बॉर्न अवेक फ्रॉम द डीप स्लीप इट लास्ट अबाउट 2 to 5 आवर. द न्यू बॉर्न इज अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिव हार्ट and respiratory rate are increased. Gastric and respiratory secretion are increased and passes of meconium commonly occurs. Following this stage is a period of stabilization of physiologic system and vacillating pattern of sleep and activity. तो बच्चा जब 2 से 5 घंटे की sleep लेने के बाद में जो वो जगता है तो वो थोड़ा सा और responsive और alert एंड हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट है वो भी इंक्रीज हो जाती है कम्पेयर टू पहले के. एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन और रेस्पिरेटरी सिक्रीशन भी इंक्रीज जाते हैं और मेकोनियम वो पास करता है. गेस्टेशनल एज असेसमेंट अब बच्चे का नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो गेस्टेशनल एज असेसमेंट है. एन एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ एज इज इम्पोर्टेंट फॉर 2 रीजन एज एंड ग्रोथ पैटर्न अप्रोप्रिएट टू द एज आई aid in identifying neonatal risk, help in developing management plans. Gestational age number of weeks that have elapsed since the first day of the last menstrual period to the time of birth. तो gestational जो age assessment करते हैं वो कैसे करते हैं last LMP से लेके till जब तक बच्चे का birth हो जाता है but time of birth तब तक की जो age है वो gestational age कहलाती है. This is usually retrieved from the mother's antenatal history. Gestational age SGA small for gestational age weight below 10th percentile. AGA weight between 10 to 90th percentile. LGA weight below 90th percentile. Behavior assessment. While babies may not speak their first word for a year, they are born ready to communicate with a rich vocabulary of body movement, cries, and visual response, all part of the complex language of infant behavior. The neonatal behavior assessment scale was developed in 1973 by Dr. T.B. Berry, Brazelton, and his colleagues. This scale represents a guide that helps parents, healthcare provider, and researcher understand the newborn's language. The scale is designed to prevail an infant's state and preference so that that parents may have be better understanding of their newborn's capabilities. The scale contains 28 behavior or 18 reflex items for parent and doctors to assess. It also revises a baby's capability in several different developmental areas: autonomic, motor, state regulation, and social interactive system. The result is not a score, but instead of understanding of how infant integrate these area as they adapt to their new environment. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you